नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। उत्कृष्टता हमारे लिए एक कार्य नहीं वरन आदत है। डा अभिनव नाथ तिवारी, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सेंट जेवियर स्कूल धरहरा का छात्र आदित्य सिंह 96.8% के साथ पूरे जनपद में प्रथम। बलिया। CBSE बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित हुआ, जिसमें सेंट जेवियर स्कूल धरहरा के छात्रों ने डंका बजाया है। स्कूल के छात्र आदित्य सिंह पुत्र श्री अमित सिंह ने 96.8% अंक हासिल कर पूरे जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आदित्य विज्ञान गणित वर्ग से था, जबकि वाणिज्य वर्ग से सृष्टि मिश्रा पुत्री सुशील कुमार मिश्रा 94% के साथ शीर्ष पर तथा कला वर्ग में राजकेशरी पुत्र ओम प्रकाश केसरी 94.6% अंक, रत्नेश पुत्र अभय कुमार राय 93%, भूगोल में 100% अंक, ऋतिक श्रीवास्तव पुत्र राजेश कुमार श्रीवास्तव 93% इत्यादि ने अंक हासिल किया है। ज्ञात हो कि 15 छात्र 90% अंक से ऊपर है, जबकि 85% से ऊपर 29 छात्र और 80% से ऊपर 48 छात्र है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक डा अभिनव नाथ तिवारी ने जनपद टापर आदित्य के साथ विद्यालय के सभी मेधावी छात्रों को जीवन में और आगे बढ़ने की शुभकामना व्यक्त की। डा अभिनव नाथ तिवारी ने कहा, एक बार पुनः CBSE परीक्षाफल ने यह साबित कर दिया कि उत्कृष्टता हमारे लिए एक कार्य नहीं वरन एक आदत है। विद्यालय की प्रधानाचार्य शुभरा अपूर्वा ने आदित्य सिंह को और सभी सफल छात्रों को जनपद का नाम रोशन करने पर बधाई एवं शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय छात्रों के जीवन के प्रति कृतसंकल्प है। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों ने बच्चों को मिठाई खिलाकर हौसला अफजाई किया। विद्यालय के चेयरमैन SBN तिवारी ने सामूहिक रूप से सभी अव्वल छात्रों को शुभकामना दी है। आज आपके हैं बच्चे कितने लोग टॉप किए हैं, कितने कितने प्रतिशत लाए, कौन क्या नाम का है? आई एम वेरी प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आवर स्टूडेंट आदित्य कुमार सिंह ही हैज टॉप्ड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट इन स्टैंडर्ड 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021-22 एंड ही हैज गॉट 96.8% मार्क्स। जी जी, इतने जो बच्चे टॉप लाए हैं, इन बच्चों के लिए आपके द्वारा क्या संदेश है? सर, एक्चुअली इट वॉज अ टीम वर्क। जैसा कि मैं हमें अपने हर इंटरव्यू में बोलती आई हूँ कि वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सो मच डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड टू देयर टीचर्स एंड दिस इज द रिजल्ट वट वी आर सीइंग एंड फ्रॉम द लास्ट 3 years वी हैड बीन इन बलिया डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स एंड दिस इज द रिजल्ट सेज एवरीथिंग। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स इट्स मोर स्ट्रॉन्गर दैन द वर्ड्स, तो हमने वो करके दिखाया है। और जैसा कि हमारा एक स्कूल का एक मोटो रहा है कि जो जो भी बच्चे आए हैं, जो भी बच्चे टॉप किए हैं, दिस इज ड्यू टू द बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। जी जी, आपने जो बच्चे आपके यहाँ टॉप लाए हैं, आपने देखा पीछे लॉकडाउन भी था, कोरोना की वजह से लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, पर विद्यालय तो खुले हुए हैं, इतनी कम समय में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। सर, एक्चुअली पैंडेमिक के सिचुएशंस में भी हमारे टीचर्स ऑनलाइन 24/7, ये नहीं कि हमने एक टाइम बाउंड कर दिया था, 24/7 दे वर एंगेज विद द स्टूडेंट्स। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो था कि हम बेस्ट रिजल्ट दें और हम अपने जो हमारा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहा, एक लीगेसी मेंटेन रही है, वी शुड मेंटेन दैट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर टीचर्स हैड डन दिस। जी जी जी, बीइंग अ प्रिंसिपल आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड फॉर दैट। जी, जो बच्चे फेल हो गए किसी कारण, उनके लिए क्या आपका कहना है? सर, वो निराश ना हो, क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर फेसिंग द सिचुएशंस ऑफ लाइफ, दे आर फेसिंग द यू नो पैरामीटर्स ऑफ लाइफ, दे विल बी सक्सीडिंग। ठीक है, अगर वो मेहनत करते रहे वो जरूर सफल होंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों में उतनी कैपेबिलिटी है, वो शक्ति है, वो डेडिकेशन है कि अगर एक बार फेल होने के बाद भी अगर कुछ बच्चे ऐसे फेल हुए हैं तो वो जरूर पास होंगे। किस विद्यालय में आप पढ़ती हैं? जी, कितने प्रतिशत आपके आए हुए हैं? 92%। जी जी, कितना मेहनत करना होगा आपको? सर, मेहनत ज़्यादातर तो जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें करिए। आप YouTube का पूरा इस्तेमाल करिए, स्कूल के टीचर्स के साथ साथ ही जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस पर बस क्लास में अगर आप फोकस करते हैं अच्छे से तो उतना मोर देन सफिशियंट होगा आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। जो बच्चे फेल हो गए हैं या मन वो डाउन हो गए, उनके लिए क्या कहना है? सर, ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग है, जो एजुकेशन है मेन उस पर फोकस करना चाहिए। मार्क्स तो आते रहेंगे, इस बार ही सक्सेस नहीं मिली तो अगली बार ही मिल जाएगी। जी जी,
इस लॉकडाउन में कोरोना काल में बच्चे पढ़ नहीं पाए, अभी तक भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं। अब जो विद्यालय खुले हैं तो किसका श्रेय देंगे आप, विद्यालय को देंगे, माता पिता को, किसको देंगे? सर पहला श्रेय तो माता पिता को ही जाएगा और दूसरा श्रेय विद्यालय से हमारे पवन सर को जाएगा सर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में इतना बड़ा रोल निभाया है हमारे लिए कि सर लॉकडाउन जैसी समस्या भी हमारे लिए कुछ नहीं रही। जी जी, क्या बनना है आप, क्या सपना आपको है? सर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। किस क्लास में पढ़ती हैं? जी जी, किस विद्यालय में पढ़ती हैं, कहाँ रहती हैं? सेंट जेवियर स्कूल केवरा बाजरी रहती हूँ। जी जी, पिताजी क्या करते हैं आपके? पुलिस में हैं। कितना अंक आपने पाया? 470 आउट ऑफ 500। जी जी, अभी लॉकडाउन था, कोरोना था, पढ़ाई बंद थी, उसके बावजूद भी अब विद्यालय खुले हैं, बच्चे उठे, आपने फिर भी आपने सफलता हासिल किया, श्रेय किसको जाएगा आपका? मेरे एक अकाउंट्स टीचर हैं सुभाष सर, उनको जाएगा, उन्होंने बहुत हेल्प की। और उसके अलावा मैंने ऑनलाइन काफ़ी पढ़ने की कोशिश की तो ऑनलाइन मीडियम भी अच्छा रहा और टीचर्स भी स्कूल के हमारे जैसे राजेश मिश्रा सर, मेरी प्रिंसिपल मैम बहुत सपोर्टिव थे पूरा टाइम। स्कूल की कॉमर्स की छात्रा हूँ। किस गांव की रहने वाली हैं, कहाँ पर आप रहती हैं? मैं बहेड़ी की रहने वाली हूँ। बहेड़ी, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर। जी जी जी, कितना मार्क्स आपका आया है, कितना प्रतिशत आपका आया है? 91.8। जी जी, क्या बनना है आपको आगे चलकर? अभी तो मुझे ग्रेजुएशन करना है, फिर आगे सीए। जी, अभी कोई सोच नहीं है? आगे सीए की तैयारी करनी है। सीए की तैयारी करनी है। इस सफलता के पीछे किसका हाथ देंगे आप, किसको श्रेय देंगे आप? मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर, सबका बहुत सहयोग रहा है। जी, मेरा नाम रितिक श्रॉफ है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। जी, किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं? सेंट जेवियर्स धरारा बलिया। जी, कितने अंक आप लाए हैं? 92.2%। जी, इस सफलता के पीछे किसका श्रेय मानेंगे आप? सफलता के पीछे मैं अपने स्कूल और अपने गार्जियंस का श्रेय मानूंगा। जी जी, कितनी परिश्रम करना पड़ा होगा आप लोगों? यही एग्जाम से पहले थोड़ा अच्छे से पढ़ना, अभी स्कूल वाले जो बताते थे वो पढ़ना। जी, अभी तो बीच में लॉकडाउन था, अभी कोरोना की वजह से लोग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो स्कूल वालों ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था दी हुई थी। आज स्कूल उन्होंने दिया। आगे क्या बनने की आपको इच्छा है? मैं अभी IIT JEE की कोचिंग करूँगा। जी, के बाद इंजीनियर रहेगा। रेखा श्रीवास्तव। जी, ये आपके बच्चे फर्स्ट आए हैं, इनके सफलता के पीछे किसका हाथ है, कितनी आपको खुशी हो रही है? जी सर, बहुत खुशी हो रही है। जी, किसकी मेहनत के पीछे, इनका सफलता के हाथ के पीछे किसका नाम लेंगे आप? बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, उसके बाद स्कूल सर लोग हैं। जी, किस विद्यालय में पढ़ते हैं ये? JBS स्कूल धरहरा। शुभ नाम पड़ेगा? अमित कुमार। किस गांव के रहते हैं? भवन में रहते। जी जी, आपके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ते हैं? जी, उनका टॉप आए हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप, किन को श्रेय देंगे आप? और उसका सबसे पहले तो स्कूल का धन्यवाद देंगे, स्कूल में आकर के बात किया, बच्चा जो इतना मेहनत किया सर, इतना वो पाया है, बच्चा भी मेहनत करता है, भाई टीचर का है। किस रूप में अपने बच्चों को देखना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं जो बच्चा को बने? सर बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। आपके भी कुछ सोचो कि ना, मेरे PCS बनेगा, IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा? नहीं सर, ये तो उसके ऊपर है कि वो क्या करेगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।